आप लोग सोचते होंगे कि रो रोज हम कब तक ठीक होते हैं कुत्ते की वजह मुझे ही ना भगा ले बाघ कर तो लड़ाई का ठेर तो अब नक 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 बहुत रात ही हो गई है तबीयत खराब थोड़ा बहुत किस पहाड़ के नीचे है भाभी ये नई नई बहुए हैं 6-7-8 कुत्ता अगर साथ में रहे बोले तो किसी चीज आज बारिश के मौसम में चलिए हमारे पहाड़ की महिलाएं सब ये पत्थर कैसे अटका हुआ है ऊपर भयंकर पहाड़ है आज तो बड़ी कल लेके आ गई भाई देखिए देखो सगवार सारी महिलाएं आ गई है घर की ओर हाँ जी हेलो कैसे हो आहा इसे देखकर तो मन कर रहा है अभी थोक लगी अरे रामो तो किस तरह से लगाते हैं इसका भार जो लाठी का भारा होता है मामठियाणा की हेलो दोस्तों नमस्कार प्रणाम पायलव कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे हम लोग भी बिल्कुल ठीक आप लोग के सामने तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक सुबह 7 बजे से हो रही है और 7 बजे पहुँच गए हम लोग अपने जंगलों के आधे रास्ते आज के हम मौसम की बात करें दोस्तों तो आज सुबह के ताजी सी गुड मॉर्निंग में ज़बरदस्त बारिश हुई हमारे यहाँ और अभी हल्का कोहरा लग रहा है डांडी कांठियों में तो आइए दोस्तों आज भी बताते हैं आपको अपने जंगलों का खूबसूरत सा नज़ारा तो आप लोग सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ हम लोग जंगल जाते रहते हैं और कुछ काम नहीं है वैसे मैं बता दूं जो पहाड़ी महिलाएं होगी बेटियां बहुएं सारी जो हमारा जो जीवन का आधार है जंगल ही है घास काटना ही है और अपने गाय बच्ची भैंस का पालन करना ही है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर बताते हैं अपने जंगलों की जानकारी बने रहे ब्लॉग में ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा देखिए दोस्तों अभी भी आसमान काफ़ी काला हो रखा है बारिश आने के लिए और हल्की फुल्की बारिश तो आ ही रही है हमारे पहाड़ों में और बारिश के बाद पहाड़ तो स्वर्ग से समान लगते हैं तो यहाँ से ठीक सामने देखिए ये है मयाली जो हमारा जो जखोली ब्लॉक है यहीं से ठीक सामने दिखता है बजरा हो गया बहुत सारे इलाके दिखाई देते हैं यहाँ से और ठीक उच्च हिमालय चौखंबा दिखाई देता है लेकिन इस टाइम लगा हुआ है घनाघोर कोहरा तो दोस्तों देखिए इस ओर हम बात करें तो इस ओर देखिए यह है पौड़ी श्रीनगर बाजार पूरा यहीं से दिखता है और यह है ढोना वालों का जंगल देखिए दोस्तों आज बारिश के मौसम में चलिए हमारे पहाड़ की महिलाएं सभी घास के लिए कुछ आगे की ओर ये हमारे बुजुर्ग ताई जी ये हमारी दीदी जी सब लोग चले ये भारत माता की जय वंदे मातरम और बाकी ये हमारी नई नई बहुएं हैं ये भी चले सब जंगल की ओर मिली है दोस्तों हमारी भाभी जी से हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो भाभी जी बिल्कुल ठीक है लोग भी मस्त व्यस्त आप भी ठीक हो बस बताऊं आज हाँ तो जाना था बाद में नंबर हम गा ये तुम्हारा फ्रेंड जूली ये तो रोज आता है ऊपर पे हमारी दीदी जी हेलो दीदी जी पड़ोस भी कैसे हो आप ठीक हो यह हमारी बड्डी जी आज तो बड्डी कल लेके आ गई भाई देखिए दोस्तों इस बार भाद्रपद के महीने की साल की फर्स्ट ककड़ी कुछ इसी तरह से हमारे पहाड़ के लोग बंट मिलकर खाते हैं मिलजुल कर खाते हैं और ये हम हेलो बड्डी जी हेलो ठीक छा घर में सब राजी खुशी ठीक ठाक अच्छा ये बड्डी जी आज पहली बार दिख रही है हमारे यानी कि काफी टाइम बाद दिख रही है वैसे डांडा इधर दो
ये देखो इधर देखो इधर देखो ले ये देखो दोस्तों ये बाट के हिस्से में जा रहे हैं और ये मेरे हिस्से में सबसे बड़ा आ गया भाई भाभी को छोटा मिल गया तुम्हारी ककड़ी लगी बड़ी है तो ठीक है दोस्तों जितना भी हो छोटा टुकड़ा हो या फिर बड़ा सब बांट के खाते हैं ना बड़ी और सब ठीक है अच्छा आठ ठीक है ठीक है सबको मिलकर बांट कर खाना चाहिए ये आ गए हमारे भाभी लोगों के बैल बकरियाँ हमारे गांव में बकरी पालन बहुत ही ज्यादा है ए भाभी आएगी ना ये हमारी बुआ जी हेलो कर दो ठीक छो तुम हेलो वहाँ भी लेके चली गई बड़ी ककड़ी है बुआरी देखिए दोस्तों किस पहाड़ के नीचे है भाभी ये पत्थर देखो कैसा अटका हुआ है ये पहाड़ भाभी ने अपने कंधे में उठा लिया है दीदी अभी हम कोंचा के ठीक नीचे है कोंचा बोलते हैं यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों ये अच्छा कोंचा पर है मतलब ये देखिए दोस्तों ये पत्थर कैसे अटका हुआ है ऊपर भयंकर पहाड़ है कोंचा खा देखिए दोस्तों यहाँ पूरा सालिमाई होता है और नीचे दिख रहा है वहाँ पे घास हली ये देखिए किस तरह से हमारे पहाड़ की महिलाएं पत्थरों के ऊपर जा रही है और घास निकाल रही है ये तो घास ना मैं को देखा अब यू आड़ी घास जो काटे हूं उन कमेंट कर दे हां हम अभी देखें कौन जा कौन चल गया तो देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा जंगल या हमारा जंगल पड़े हुआ है उधर मंजोली वालों का तो आप लोग देख सकते हो पूरा बांझ ही बांझ है चारों ओर बांझ ही बांझ है बाकी ऊपर की ओर देख सकते हैं आप लोग ऊपर पे भाभी घास निकाल रही है पहाड़ में ये देखिए कुछ इस तरह से ही पहाड़ की महिलाएं पहाड़ों में घास निकालती है दोस्तों तो देखिए कुछ घास वहाँ पर फेंका हुआ है तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ की वनस्पति की यहाँ पर बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है सबसे पहले बांझ हो गया बुरांस काफल आयार उतीस तित्रियट चीड़ बहुत सारे प्रजाति के हैं उतने मुझे पता भी नहीं है तो दोस्तों ये जो टांडी दिख रही है इसके ठीक पीछे मंजोली गाँव पड़ता है जो कि बडियारगढ़ में आता है जो कि हमें मिलते रहते हैं जैसे मेला हो गया उसमें मिलते रहते हैं रुद्रनाथ के मेले में बाकी यहाँ से देखिए ठीक पूरा पीछे जो डायरेक्ट नीचे दिखाई दे रहा है ये है श्रीनगर मार्केट इसके इधर देखिए पौड़ी पूरा यही पड़ गया है देखिए आप लोग कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से व्यू आगे पीछे का वैसे दोस्तों आज का घास जो है ना मैंने अकेले निकाला आज बहुत ही डर भी लग रहा था और ऐसे घना घोर जंगलों में यहाँ कोई नहीं आता है डर भी लगना बहुत ही ज़रूरी है और मेरे साथ जूली वैसे बोलते हैं कुत्ता अगर साथ में रहे भले तो किसी चीज़ का डर नहीं होता लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है कि कहीं कुत्ते की वजह मुझे ही ना भगा ले बाघ तो दोस्तों डर लग रहा है और अभी मैंने आधा भाड़ा लगा लिया है एक पुले और निकालने हैं मुझे एक दो पुले और निकालने हैं तो अब सोच रही हूँ कहाँ पर निकालूँ क्योंकि जो भाभी दीदी लोग हैं काफ़ी दूर है मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर और यहाँ पर अकेला सुनसान आगे पीछे देखिए कितना घना घोर जंगल है और नीचे जाने के लिए भी डर लग रहा है ऊपर जाने के लिए भी तो चलिए दोस्तों अभी मैं दो पुल और निकालने की कोशिश करती हूँ और मिलती हूँ आपको ठीक भाड़ा लगाने के बाद देखिए दोस्तों ये वो वाली भाभी है जिनका भाई क्या बताओ मैं भाड़ा लगाए तो आता नहीं है देखो पूरा टेढ़ा हो गया और लड़ाई करने की बात करें ना तो इतना लड़ाई कर रही है मेरे साथ आज क्या मेरे वजह से ये टेढ़ा हुआ मेरे वजह से हुआ इतना गलत बोल रहे देखो ये दीदी तो क्या बता इनको तो सगवार ही नहीं है लगाने का भाई साहब क्या बोल रहे थे भाभी किसकी वजह से हुआ टेढ़ा मेरे वजह से हुआ अच्छा ये भाभी आज मेरे साथ खतरनाक लड़ाई करी क्या हुआ भाभी किसका फुसाया तुम्हें दीदी ने फुसकाया हाँ दीदी ने बहलाया आज भाभी को ना कर कर तू लड़ाई कर ठेर तू
आज इन पर गुस्सा रखा मेरे पास ना। दोस्तों ये है मेरा भाड़ा है, देखते कितना अच्छा भारो ला रखा। आहा ये मेरा भार डुंडी ने दिया रे लियो, ये दोस्तों मेरा भार कितना भारी लग रहा है भाई। ये भाभी ने टेढ़ा कर दिया, पहले तो लड़ाई कर रही है मेरे साथ ही, देखो देखो टेढ़ा कर दिया मेरा भार। अगर मेरा पैग भी पूरा खिसका ना तो सोच लियो तो। हाँ मेरा एक भी पूरा खिसका ना बेस्ती मारी आज भाभी, हद होती किसी चीज की है। तबे, तबे, तबे। नहीं नहीं बेस्ती मारी आज खतरनाक वाली। किसने फुसकाया भाभी तुझा? मैं या, नहीं नहीं इतनी लड़ाई क्यों कर रही है मेरे साथ? ऊपर नहीं ऊपर से बोल रही कि तेरी मम्मी के पास बोलूंगी, बोल मैं वहाँ बोल कोई बात नहीं। उधर से देखो दोस्तों ये सिंगर दीदी है, इनका भार भी आज टेढ़ा हो गया। अरे यार तुम की लगा में ये लगा भी ये हमारे हेलो दीदी जी यार भारत टेढ़ा क्यों हुआ? वैसे दोस्तों आपका रोज कमेंट आता था कि लाठी पे भारत कैसा लगा, आज बता ही देते हैं। अभी इसको खोल रहे हैं क्योंकि ये खराब हो गया। बस हेलो दीदी जी, ओ दीदी क्या हुआ आज? थोक लगी। अरे रामो, तो देखिए दोस्तों किस तरह से लगाते है इसका भार जो लाठी का भारा होता है, आज दिखाई देते कम से कम भारत तो निकला इनका। ये बानो बात नहीं थी। हाँ बोलो लोगो भाई बा बाहर जाने लगे। हाँ जी जा बाहर खराब तो बाहर कहाँ पे लगा। हाँ तुम गए मैं तो तुझे पाया परसी ते फोन में डाल दिया मैं तो थोड़ू पे। अरे रामा दीदी का दरांती जो है वो खो गई थी बल परसों जब वो पहन थी नान बोल। हेलो ये बाहर आ रहा था क्या आदमी ने ये लो चार पाँच पाँच छः सात आठ पुल हैं दीदी के। ओ अब देखो दोस्तों शुरू से कैसा लगता है बारह पुल थे ना। ब्लू लगो बोई ए बो आ बारह चार लगा डिंड ब्लू लगो ये ते भाभी से पुल निकाल लिया सगवार दियो ते लो यो या बैठ आ ना जुई में से तरी बे धर बवर पु ना से और भांजो ना 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 व्यवस्था रोड़ी मस्त ना तो पति चलो मस्त ना जो क्या से ना बन्या जन चलोड़ा ए भाभी। कुछ इसी तरह से ये पहाड़ी जो सुलेटा का भारा लगता है और वहाँ पर हमारी बड़ी जी आ रखी है बैलों के साथ। या बड़ी चाय भी ली तेरी हैं भाभी उतते हैं भाव भाभी वो दोनों लोग क्या तो तीन पूरी क्या तीन लाने वाले देख लो तो तीन देख लो जमीन। हाँ ये भाभी पूरा छेड़ी दी अगर दिन क्या तू सगवार ये देखो दोस्तों सारी महिलाएं आ गई है घर की और ये हमारी बुआ जी।
हेलो बुआ जी। हाँ जी हेलो, कैसे हो? कैसे हो आप? आप हम ठीक हैं जी। ठीक हो? हेलो बड़ी जी, कैसे हो? हाँ बाबा जो देखो क्या बोलो तो मैं क्यों मिछा दे लगा तुम गीत है के बोले के थोड़े से मर जाए ना तो दोस्तों आज घर आते ही हो गई है तबीयत खराब, थोड़ा बहुत बुखार आने का सीन लग रहा है मुझे, क्योंकि आजकल ये भाद्रपद का जो पानी होता है ना, भाद्रपद महीने का जो पानी होता है पक्का पानी होता है बारिश का, जिसमें कि भीगने से बुखार आ जाता है। सुबह के टाइम भीगे हम, अब बुखार आना भी ज़रूरी है, इंसान का स्वस्थ तभी स्वस्थ रहेगा जो बुखार आएगा, पहले बुखार आने के बाद रहेगा स्वस्थ। तो दोस्तों क्या बताऊँ मैं, बुखार आने कहाँ से हैं, तब ये बंदर और लंगूर आ जाते हैं दिमाग ख़राब करने, दिन में सोना कहाँ से है, हे भगवान कहाँ जाऊँ मैं, अब क्या करें दोस्तों। मेरी मम्मी देखो कैसे चिल्ला रही है वहाँ। आज तो भैया भाभी जा रखे हैं मार्केट, अभी तक नहीं आए, 5 बजने वाली है, और मम्मी आज दिन भर अकेले ही बांदर और लंगूरों को भगाती रही। तो दोस्तों यहाँ तो खाने खाने की फुर्सत नहीं है भाई, कंटर बजाए जा रहे हैं, कंटर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ककड़ी मुंगरी लग गई है ना, बताते हैं ककड़ी और मुंगरी, डम 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 डम। देखिए दोस्तों ये है पहाड़ की घरिया ककड़ी, आहा इसे देखकर तो मन कर रहा है अभी खा जाऊँ बिना नमक के ही। वैसे पहाड़ की ककड़ी ना नमक में ही स्वादिष्ट होती है, और बिना नमक के आहा क्या मीठी होती है। तो आप लोगों का भी ज़रूर मन होगा, मैं ऑनलाइन भेज दूँगी जब ये बड़ी बड़ी होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा घरिया ककड़ी, आप लोगों का भी ज़रूर मन होगा, जिसकी ककड़ी होंगी वो हमें भेज देना ऑनलाइन, और जिसकी नहीं होगी तो हम उनको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का ब्लॉग है ना यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्यूट पहाड़न को खूब सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक अपना स्वास्थ्य देखती हूँ मैं कब तक ठीक होता है। तो दोस्तों बाय बाय, तब तक के लिए जय माँ मठियाणा, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।